दिस इज मी जॉली यादव। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक लो राइज अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, वो भी एक अच्छे बिल्डर का एंड नियर टू प्रोडक्शन सेगमेंट का। तो आज की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं आपको बताया, वो एक लो राइज प्रॉपर्टी है एंड काफी शानदार प्रॉपर्टी है। फिलहाल मैं उसी प्रॉपर्टी के कमर्शियल एरिया के बाहर खड़ी हूँ। एस्पायर प्लाजा है प्रॉपर्टी का, आप नाम समझ चुके होंगे जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। प्लस आप इसका ये कमर्शियल एरिया देखें तो ये आपका ऑपरेशनल कंडीशन में है। काफी सारी यहाँ पर शॉप्स हैं, सारी आपके डेली नीड्स का सामान इनमें मिल जाएगा। एंड फर्दर अब मैं आपको प्रोजेक्ट के पास लेकर जाऊंगी और सबसे पहले हम इसकी कनेक्टिविटी एंड लोकेशन समझेंगे। गाइस अभी मैं प्रोजेक्ट के बाहर खड़ी हूँ। प्रोजेक्ट हमारा है एस्पायर गोल्ड एंड इसके बिल्डर है निराला ग्लोबल। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बता दूं तो ये रहेगी नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 16B। यहाँ से हम प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी समझे तो आप देखिए सेक्टर रोड पर प्रोजेक्ट है, फ्री साइड ओपन प्रॉपर्टी है एंड यहाँ से आपको कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है। एक मूर्ति बहुत ही नजदीक है, गौर चौक की हम बात करें तो वो अराउंड यहाँ से 4 से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। प्लस ये पीछे जो आपका रोड जाता है ये फर्दर आपका NH24 के साथ भी कनेक्ट करता है। नोएडा यहाँ से नजदीक है, आपको यहाँ से ग्रेटर नोएडा की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। एंड अगर हम नियर बाय हॉटस्पॉट एंड प्लेसेस की बात करें तो स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो यहाँ पर आपको इस लोकेशन पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट में बिल्कुल ही साइड में, बिल्कुल सामने आप देखें तो यहाँ पर 3 मेजर स्कूल्स मिल जाते हैं जो कि ऑपरेशनल कंडीशन में है। सबसे पहले अगर मैं इस वाले स्कूल की बात करूँ तो ये आपका SKS वर्ल्ड स्कूल है, जिसके नेक्स्ट विक्रम प्रीत स्कूल है एंड आपका आगे जाके BLS स्कूल है। प्लस आपको मॉल्स की मैं बात करूँ तो आपको प्रोजेक्ट के विसिनिटी में अराउंड 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर अराउंड 15 मॉल्स मिल जाते हैं, बोथ ऑपरेशनल एंड अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज वाले। गौर मॉल की हम बात करें, गौर सिटी मॉल, तो वो अराउंड अगेन आपके 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। कैलाश हॉस्पिटल यहाँ से अराउंड 4 से 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। सर्वोदय हॉस्पिटल जो है वो भी अगेन आपका 4 से 5 मिनट की डिस्टेंस पर है। यथार्थ हॉस्पिटल भी आपको यहाँ से नजदीक मिल जाता है। तो एक अगर हम ओवरऑल देखें तो आप देखिए तो काफी अच्छा वेल डेवलप्ड एरिया है, काफी सारे यहाँ पे हाई राइज प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर यू नो ऑपरेशनल कंडीशन में मिल जाता है एंड ओवरऑल एक पीसफुल लोकेलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, काफी ओपननेस यहाँ पर है। तो मैं बाहर की चीजें तो आपको बहुत सारी दिखा चुकी हूँ गाइस, अब मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलती हूँ, इस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करते हैं प्लस यहाँ का जो सैंपल अपार्टमेंट है उसका भी टूर करेंगे। इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करें तो ये प्रोजेक्ट आपका 5 एकड़ के लैंड पैच में बना हुआ है, लो राइज प्रोजेक्ट है एंड S+4 के कॉन्सेप्ट के साथ रहेगा। स्टिल्ट में यहाँ पर पार्किंग रहेगी प्लस गेस्ट पार्किंग भी अवेलेबल रहेगी एंड सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको टेरेस एरिया पर टेरेस गार्डन मिल रहा है। जी हाँ, 32,000 स्क्वायर फीट के साइज में आपको यहाँ पर टेरेस गार्डन रहेगा, वो भी प्रॉपर वेल मेंटेन टेरेस गार्डन रहेगा। सिटिंग एरियाज रहेंगे, वॉकिंग एरियाज रहेंगे, तो ओवरऑल काफी अच्छा एक टेरेस एरिया पे एक माहौल रहेगा। 60 टावर को ज्वाइन करके ये टेरेस गार्डन्स बनेंगे। अगर हम नीचे की अमेनिटीज की बात करें तो यहाँ पर आपको एक क्लब हाउस ही मिल रहा है, 22,500 स्क्वायर फीट के साइज में यहाँ पर एक क्लब हाउस प्रेजेंट रहेगा एंड क्लब हाउस भी प्रीमियम सेगमेंट का रहेगा, जिसके अंदर सारी आपकी एक्टिविटीज रहेंगी, सारे इंडोर गेम्स रहेंगे, उसके अलावा कैफेटेरिया रहेगा। द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिल रहा है जो कि आपका गेस्ट अपार्टमेंट रहेगा, यानी कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो वो वहां पर रह सकते हैं। उसके अलावा स्विमिंग पूल रहेंगे, आउटडोर गेम्स के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर स्पेसेस रहेंगे। एंड एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको निराला एस्पायर जो प्रोजेक्ट है उसका जो सेंट्रल पार्क है, 6.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क यहाँ पर है, वो आपका कॉमन रहेगा, यानी कि लो राइज वाले भी उसको यूज कर सकेंगे एंड हाई राइज का तो वो था ही। उसके साथ एक और अच्छी चीज ये है कि जो निराला एस्पायर का जो क्लब हाउस है जो कि अभी ऑपरेशनल कंडीशन में है, उसको भी लो राइज वाले यूज कर सकेंगे, यानी कि लो राइज में जो लोग रहेंगे उनको सारी चीजें वहां अंदर की एक्सेस करने के लिए मिलेंगी एंड यूज करने के लिए मिलेंगी। एंड प्लस उसके अलावा प्रोजेक्ट में खुद का एक किड्स स्कूल भी है पीस एंड पॉट्स के नाम पे जो कि ऑपरेशनल है। ग्रीन एरियाज प्रॉपर यहाँ पर वेल मेंटेन्ड ग्रीन एरियाज हैं एंड ओवरऑल काफी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। एंड गाइज अब मैं आपको यहाँ का सैम्पल अपार्टमेंट दिखाने ले चलती हूँ, तो चलिए हम सैम्पल अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं।
एंड गाइस अभी मैं सैंपल अपार्टमेंट के लॉबी एरिया में प्रेजेंट हूँ। एक फ्लोर पर आपके सिर्फ और सिर्फ दो अपार्टमेंट रहेंगे एंड उसके साथ साथ आपको लिफ्ट का प्रोविजन भी मिल रहा है। एंड गाइस अब मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ इस प्रीमियम टावर के प्रीमियम अपार्टमेंट के अंदर। ये एक 3 BHK प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट है एंड इसका साइज है 1784 square feet। सो कम ऑन विद मी। So guys, ये मेन एंट्रेंस डोर है। इसके पहले रहेगा यहाँ पर आपका सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम में फिलहाल थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो लाइक आई टोल्ड यू, ये आपका सर्वेंट रूम रहेगा एंड इसके बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा आपका मेन डोर। सो नाउ लेट्स गो इनसाइड। Guys, मैंने आपको बाहर बोला था कि ये एक प्रीमियम अपार्टमेंट है, तो आप अभी वीडियो में देखिएगा, पूरा अपार्टमेंट आप देखिएगा, आप यहाँ का फील देखिए, इतना ज़्यादा ग्रैंड आपको ये अपार्टमेंट मिल रहा है। ये आपका पूरा एरिया यहाँ से शुरू होता है वहां तक आपका एंड होता है। ये पूरा आपका लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको ग्रैंड एरिया मिल जाता है। 1784 का साइज है एंड आप यहाँ की फ्लोरिंग देखिए, फ्लोरिंग बहुत ही ज्यादा कमाल की इटालियन आपको फ्लोरिंग मिल रही है एंड ये आपकी इंक्लूडेड रहेगी सेम एज इट इज। प्लस आप इस अपार्टमेंट के अंदर की लाइटिंग देखिए, वेंटिलेशन काफी प्रॉपर यहाँ पर है। यहाँ पर आपके इस पूरे एरिया में आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है एंड यहाँ पर आप आए तो ये आपको बहुत ही अच्छे साइज में आपको यहाँ पर रनिंग बालकनी मिल रही है जो कि आपके लिविंग एरिया एंड आपके एक बेडरूम के साथ कॉमन रहेगी। आप यहाँ पर देखिए इस बालकनी का व्यू देखिए, तो आपको इन लोराइज अपार्टमेंट्स के सामने आपको पार्क का व्यू मिल जाता है। ये पूरा पार्क एरिया है, सामने आपकी देखिए तो निराला एस्पायर सोसाइटी है, ये आपकी हाई राइज सोसाइटी है एंड डिलीवर हो चुकी है, यहाँ पर लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। तो गाइज लिविंग एरिया से आपको ग्रीन एरिया का व्यू मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। प्लस लेट्स मूव फर्दर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका डाइनिंग एरिया है, प्लस आप डाइनिंग एरिया के इस वॉल पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्पेस डिजाइन किया हुआ है। यू नो आप चाहें तो यहाँ पर एक पूजा स्पेस बना सकते हैं, इस स्पेस को यू नो इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप वहां से एंटर होते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दिखता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो लेआउट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको कोई भी आपके घर में आता है तो उसको कोई भी और पार्ट नहीं दिखेगा एंड डाइनिंग एरिया के इस तरफ एक पैसेज जाता है जिसके थ्रू हम एंटर करेंगे हमारी किचन में। ओके दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। सो यहाँ पर आपकी रह हो जाती है ये किचन। अगैन काफी ज्यादा अच्छी किचन है, आप साइज देख सकते हैं, काफी ग्रैंड आपको यहाँ पर साइज मिल रहा है। हर जगह पे पूरा आपका ड्राई एंड वेट एरिया को सेपरेट किया हुआ है। आप देखिए काफी अच्छे यहाँ पर कैबिनेट्स हैं, आप अपने किचन में यू नो इस तरीके की फर्निशिंग करा सकते हैं। एंड फर्दर आप यहाँ आगे आए तो यहाँ पर भी आपको एक बालकनी मिल जाती है जो कि आपकी यूटिलिटी बालकनी रहेगी एंड इसके अंदर से आप देखें तो यहाँ पर आपको लो राइज का व्यू मिल जाता है। एंड Let's go back inside now. And guys, इस तरफ रहेगा हमारा बेडरूम नंबर वन। So this is your bedroom number one. काफी अच्छे साइज में आपको मिल जाता है एंड इस बेडरूम की आपको एक बालकनी भी मिल जाती है जो कि आपकी कॉमन बालकनी है। बालकनी मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा चुकी हूँ। प्लस यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जो कि बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। प्लस आप बाहर के एरियाज के साथ भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, वॉशरूम आप चेक कर सकते हैं। काफी ज्यादा अगेन काफी ग्रैंड आपको यहाँ पर वॉशरूम मिल जाता है, सारी फिटिंग आपकी इंक्लूडेड रहेंगी। पूजा स्पेस के बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेंगे आपके रिमेनिंग टू बेडरूम। तो सबसे पहले मैं आपको इस मास्टर बेडरूम के अंदर जगाती हूँ। मास्टर बेडरूम अगेन आप साइज देखें, काफी ज्यादा आपको अच्छा साइज मिल जाता है। रूम्स आपको बहुत ही ज्यादा स्पेशियस यहाँ पर मिल रही है। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं सेम एज इट इज आपकी फ्लोरिंग रहेगी। इस तरफ हम देखें तो यहाँ पर आपका अटैच वॉशरूम रहेगा, वॉशरूम का साइज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको मिल जाता है। साफ टाइलिंग वगैरह आप चेक कर सकते हैं, सेम एज इट इज टाइलिंग रहेगी, प्लस सारी फिटिंग्स भी इंक्लूडेड रहेंगी। एंड द बेस्ट थिंग इज ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये आपके टू साइड ओपन अपार्टमेंट्स हैं।
आपका फ्रंट व्यू मैं आपको दिखा चुकी हूँ, फ्रंट व्यू रहेगा पार्क का व्यू एंड पीछे का व्यू आपका रहेगा लो राइज का व्यू रहेगा. तो आपको बैक साइड व्यू कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर लो राइज फ्लैट्स का आपका व्यू रहेगा प्लस यहाँ पर ग्रीन एरिया भी डेवलप होगा. तो आपको दोनों तरफ से यू नो एक बहुत ही प्यारा सा व्यू मिल जाता है. एंड अगेन ये वाली बालकनी भी आपकी एक रनिंग एंड कॉमन बालकनी है. तो इसी बालकनी से अभी हम एंटर करेंगे हमारे बेडरूम नंबर 3 में. एंड हियर वी आर इनसाइड आवर बेडरूम नंबर 3. इसका भी आप साइज देखिए तो काफी ज्यादा स्पेशियस आपको यहाँ पर साइज मिल जाता है. एक्चुअली ये अनफर्निश्ड अपार्टमेंट जो रहेंगे तो आप देखिए तो इस वॉल पर आप अपना कुछ इस तरीके से वार्डरोब स्पेस डिजाइन करवा सकते हैं एंड काफी अच्छा यहाँ पर वार्डरोब आपका फिट हो जाएगा. प्लस इस बेडरूम में भी आपको एक वॉशरूम मिलती है. इन टोटल इस अपार्टमेंट में आपको 3 वॉशरूम्स मिल जाती हैं. इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं. टाइलिंग आपकी इस तरीके से रहेगी, ब्लू कलर की टाइलिंग रहेगी. अगेन आपकी सारी फिटिंग्स इंक्लूडेड रहेंगी. So guys, that was all about this project, Nirala Aspire Low Rise. आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? आपको यहाँ का सैम्पल अपार्टमेंट जो मैंने आपको अभी दिखाया वो कैसा लगा हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं. जो लोग एक लो राइज अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं. फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है एंड काफी ज्यादा स्पेशियस अपार्टमेंट्स हैं. काफी ज्यादा ओपननेस यहाँ पर आपको मिल जाती है. ये एक लो डेंस प्रोजेक्ट है. उसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 एकड़ में 317 यूनिट्स ही हैं सेल के लिए. इनमें से ज्यादातर इन्वेंट्रीज तो सेल आउट हो चुकी हैं, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज ही बची हुई हैं. सो गाइस अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप आइए यहाँ पर विजिट कीजिए. उसके अलावा अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. जी हाँ, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा अपना एक अमाउंट बचा सकेंगे. आपको यहाँ पर कार पार्किंग फ्री मिल जाती है, क्लब मेंबरशिप आपको यहाँ पर फ्री मिल रही है, 1 KWA पावर बैकअप, AC FFC चार्जेस, डिजिटल लॉक आपको मिल रहा है अपार्टमेंट्स में. उसके साथ साथ इटालियन मार्बल आपकी रहेगी हर एक अपार्टमेंट में एंड फॉल सीलिंग विथ सीलिंग लाइट्स भी रहेगी आपकी लॉबी एरिया में. साथ ही साथ सभी के जो आप ये जो टावर्स मैंने आपको बताए ये सब के सब आपके इस प्रोजेक्ट में फ्रंट टावर्स हैं और आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा. आपको सेंट्रल गार्डन का आपको व्यू मिल रहा है प्लस आपको मेन रोड का व्यू मिल रहा है. सो ओवरऑल काफी अच्छा प्रोजेक्ट है एंड आप यहाँ पर आइए विजिट कीजिए. अगर आप यहाँ पर अपार्टमेंट को विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी. एंड उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री for more such videos and I'll see you in some other video. Till then, bye bye and take care.